इस दुनिया में ऐसी बहुत सी खूबसूरत और अनोखी इमारतें मौजूद हैं जो किसी के भी होश उड़ा दे, लेकिन शाहजहां के बनाए ताजमहल जैसा और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ सफेद संगमरमर से बनी एक शाही इमारत ही नहीं, बल्कि एक राजा के प्रेम का प्रतीक भी है, जो आज दुनिया के 7 अजूबों में से एक बन चुका है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जिन्हें सुनकर आप ताजमहल जाने पर मजबूर हो जाएंगे। फैक्ट 1, लाखों टूरिस्ट जो ताजमहल देखने आते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि वो ताज के पिछले हिस्से को देख रहे हैं। दरअसल शाहजहां ने ताजमहल का शाही दरवाजा नदी के दूसरी ओर बनवाया था। उनके समय में नदी ही मुख्य रास्ता थी। वे और उनके शाही मेहमान नाव में बैठकर ताजमहल आया करते थे। फैक्ट 2, क्या आप जानते हैं ताजमहल भारत का सबसे ज्यादा लोकप्रिय जगह है? इसे सन 1632 में शाहजहां ने अपनी सबसे प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। मुमताज बेगम का असली नाम अर्जुमनंद बानो बेगम था, लेकिन शाहजहां ने प्यार से इनका नाम मुमताज महल रख दिया। फैक्ट 3, ताजमहल आगरा में नहीं बनने वाला था। जी हाँ, आपने सही सुना, इससे पहले मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बनाया जाना था, जहाँ पर मुमताज की मृत्यु अपने 14वें संतान को जन्म देते वक्त हो गई। शाहजहां अपने बेगम से ये दूरी बर्दाश्त ना कर सके और उनके याद में ताजमहल बनाने का निर्णय लिया। दुर्भाग्य से बुरहानपुर में पर्याप्त सफेद संगमरमर नहीं था, इसीलिए आगरा में ताजमहल के निर्माण के लिए अंतिम निर्णय लिया गया, जो अब एक लोकप्रिय आकर्षण बन गया है। फैक्ट 4, ताजमहल की नींव महोगनी और आबनूस की लकड़ी से बनी है। अगर इसकी नींव किसी साधारण लकड़ी से बनी होती तो आज के वक्त में हम इसे नहीं देख पाते, लेकिन लगता है कुदरत भी शाहजहां के प्यार को पूरी मानव जाति को दिखाना चाहती है। दरअसल इन लकड़ियों को जितना पानी मिलता है वे उतनी ही मजबूत होती हैं, और इनको मजबूत और नम रखने का काम यमुना नदी बखूबी करती है। फैक्ट 5, हालांकि ताजमहल हिंदुस्तान में स्थित है, लेकिन ये इमारत एक इस्लामिक संरचना है। ताज की दीवारों पर सुंदर सुंदर कैलीग्राफी की गई है, जो कि कुरान से ली गई थी। इसके अलावा 28 तरह के कीमती और अनमोल पत्थरों का इस्तेमाल करके ताज को सजाया गया है। इन कीमती और अनमोल पत्थरों को चीन, श्रीलंका और भारत के हिस्सों से मंगवाया गया था, और शायद इसी वजह से कहा जाता है कि इन्हें 1000 से भी अधिक हाथियों से आगरा पहुंचाया गया। फैक्ट 6, इस नया प्यार की निशानी को पैसों में नहीं तोला जा सकता, और इसकी कीमत लगाना तो बेवकूफी ही है, लेकिन कुछ लोगों के हिसाब से शाहजहां ने अपने वक्त में करीब 32 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो कि आज के समय में 700 करोड़ से भी ज्यादा है। फैक्ट 7, अगर ध्यान से देखा जाए तो ताजमहल के चारों खंभे या मीनारे सीधा खड़े होने के बजाय बाहर की ओर झुकी हुई हैं। इसे इसलिए ऐसा बनाया गया है ताकि कभी भूकंप आए तो ये खंभे बाहर की ओर गिर जाएं, और तो और अगर कभी बिजली गिरे तो वो मुख्य इमारत के बजाय इन खंभों पर गिर जाए। मानना पड़ेगा उस्ताद अहमद ने कितना सोच विचार करके इसे बनाया। आपको बता दें, उस्ताद अहमद लाहौर के शाहजहां के दरबार में वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट थे। ये अपने समय में सबसे अव्वल वास्तुकार थे। फैक्ट 8, मेरे ख्याल से शाहजहां को डर था कि कोई ताजमहल का कलर चेंज ना कर दे, इसलिए उन्होंने ताज को ऐसे बनवाया कि वो अपना रंग खुद ही बदल ले। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, दरअसल कहा जाता है बदलता रंग शाह की पत्नी मुमताज के बदलते मूड के सामान्य है। दिन के शुरुआती घंटों में ये गुलाबी रंग का होता है और सूरज के आकाश में चढ़ते ही सफेद हो जाता है। अंत में ये चांदनी में एक सुनहरा रंग ले लेता है। फैक्ट 9, कुतुब मीनार भारत की शायद सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है,
जबकि कुतुब मीनार 72.5 मीटर ऊंचा है। फैक्ट 10, वर्ल्ड वॉर 2 में इंडियन गवर्नमेंट ने ताजमहल के इर्द गिर्द बांस का घेरा बनाकर सुरक्षा कवच प्रदान करवाया था, जिससे कि हवाई बमबारी करने वालों को भ्रमित किया जा सके। 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय में भी सरकार ने हरे रंग के कपड़े से ताज को कैमोफ्लाज किया था। फैक्ट 11, ये बताया जाता है शाहजहां अपने लिए भी एक काले रंग का मकबरा बनाना चाहते थे, जो कि सफेद ताज की मिरर इमेज होनी थी, लेकिन इससे पहले वो उसको बनवाते उनके अपने ही बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया। कई लोगों का ये भी कहना है काला ताज बस एक अफवाह है। फैक्ट 12, आज के समय में भी दुनिया में ताजमहल के रेप्लिकास आए दिन बनते रहते हैं, लेकिन ताजमहल बनाने के लिए जो जुनून, वक्त और जिगरा लगता है वो हर किसी में कहां होता है। ऐसा ही एक रेप्लिका 2008 में एक बांग्लादेशी फिल्म मेकर ने अपने देश में बनवाया था, ताकि बांग्लादेश में उसके गरीब देशवासी भारत की यात्रा किए बिना प्रसिद्ध ताजमहल का आनंद ले सकें। इसको बनवाने में 5 साल की मेहनत और $56 मिलियन लगे थे। हमेशा की तरह अगर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हैं तो ये रहा आज का बोनस फैक्ट। क्या आपने कभी भी ताज को देखने के बाद इसको खरीदने के बारे में सोचा है? अगर हाँ तो मिलिए नटवर लाल से, जिन्होंने ताज को बार बार कई लोगों को बेचा है। इन सज्जन का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव है, जिन पर 100 से भी ज्यादा फ्रॉड केसेस दर्ज हैं। इन्होंने ताज ही नहीं बल्कि 2 बार लाल किला और तो और राष्ट्रपति भवन भी बेचा है। 1979 में अमिताभ बच्चन की फिल्म मिस्टर नटवरलाल को देखकर ये भी फ्रॉड करके अमीर बनना चाहते थे, और बाद में इनके करतूतों की वजह से इनको पुलिस ने नोएडा सेक्टर 18 में पकड़ा। इनको कुल 113 साल की सजा हुई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको ये फैक्ट्स काफी पसंद आए होंगे। मिलते हैं जल्द एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।